हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये जो हमारा जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 65th और 64th के प्रीलिम्स एग्जाम के साइंस के सबसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सारे सेक्शन के प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दो एग्जाम्स के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अब जितना भी जनरल साइंस का लेक्चर हो या हमारा 45 डे सीरीज का लेक्चर हो, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को पहले हम लोग पूरे तरीके से सारे सवालों को हल करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा लेक्चर्स बचेंगे उसमें हम लोग और भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तो जितने भी लेक्चर्स लगभग हमने साइंस और मिक्स सवाल को अगर हम बात करेंगे, जो हमारा 45 डे सीरीज है, लगभग हम लोगों ने अभी तक 30 लेक्चर्स किया है। 30 लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स के कुछ प्रश्न भी थे और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कोई अदर स्टेट पीसीएस ने पूछा था। तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। लेकिन अब जो हमारा सेशन है, चाहे वो जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 8 है 9 10 जो भी आएगा, जो हम लोग 15 लेक्चर जो हमने बात किया है उसमें अभी हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर्स बच जाएगा तो फिर हम लोग अलग सवालों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 8 है, ये हमारा बाइलिंगुअल होगा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लगभग 42 प्रश्न जो हमारे बीपीएससी 65th और 64th प्रीलिम्स में पूछा है। अब देखिए, 65वीं और 64वीं बीपीएससी में एक चीज मैंने देखा कि जो साइंस का जो सवाल है, लगभग 10 ऐसे प्रश्न थे, 10 से 15 प्रश्न की 64वीं में पूछा और 65वीं में पूछा, दोनों में रिपीट कर दिया है सवालों को। तो इसलिए आज संख्या जो सवालों की संख्या है वो हम लोगों ने 44 ऐसे सवालों को कलेक्ट किया है इस लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो भी और भी हैं, जैसे कि 66वीं बीपीएससी हो गया, ओके, 63वीं हो गया, 68वीं हो गया, सबको डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। जो पहला प्रश्न है हमारा, द स्टडी ऑफ बोन्स इन डन अंडर द ब्रांच। देखिए, हड्डियों का अध्ययन जो होता है, देखिए अगर आप लोगों ने कभी इंग्लिश पढ़ा होगा तो रूट बर्ड पढ़ा होगा, तो ओस्टियो मीन्स होता है आपका बोन, ठीक है। क्या होता है आपका बोन होता है, मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, ओके, ओस्टियो मीन्स बोन होता है। तो ओस्टियोलॉजी होता है कि जो आपका स्टडी ऑफ बोन्स, इस ब्रांच का वैसा साइंस जिसमें हम लोग हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके सामने है यहाँ पे जियोलॉजी, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बोले, डायनेमिक्स ऑफ द कोई भी सॉलिड हो या अर्थ हो, अर्थ के जो हमारा सॉलिड पार्ट है, मोल्टेन पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, उसमें जियोलॉजी बोलते हैं, भूविज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे सेरोलॉजी की बात करेंगे, सेरोलॉजी में हम लोग सेरम और जो अदर बॉडी का जो फ्लूड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो हमारा हो गया सेरोलॉजी हो गया। ओरोलॉजी में हम लोग माउंटेन का अध्ययन करते हैं। तो आपके सामने सारे प्रश्नों का उत्तर आपके सामने है, तो इस सवाल का उत्तर होगा ओस्टियोलॉजी इज द राइट आंसर, सवाल नंबर 1 का होगा। सवाल नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे, ओके। सवाल नंबर 2 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एंजाइम। देखिए, सवाल मैंने शायद पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने उसमें इंक्लूड किया था। तो जिसमें एंजाइम नहीं है, तो मैंने बताया था कि लाइकेन हो, बैक्टीरिया हो, अल्गी हो, वायरस हो, सब में एंजाइम पाया जाता है, तो इसको ऑप्शन नंबर ई होगा। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है कि इन जितने भी आप ये देख रहे हैं, लाइकेन, बैक्टीरिया, अल्गी या वायरस, चारों ऐसे आपके हैं ऑर्गेनिज्म जिसके चारों में आपको एंजाइम पाए जाते हैं, अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। जब मैंने आपको यहाँ पे इस स्लाइड में आपको मैंने टैप कर दिया, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजिनेज है जो कि एल्गी में पाया जाता है, ईकोली बैक्टीरिया है, वो सारे में आपको आपको एंजाइम मिलेंगे, वायरस में आपको भी एंजाइम मिलेंगे, लाइकेन में मिलेंगे एंजाइम, तो आप इन चीजों को जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ओके। एंजाइम एक तरह का वाई कैटलिस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन जो भी बायोसिस्टम है उसके अंदर को बढ़ा देता है। ऐसे बताओ कि जो एंजाइम ऐसे वर्क करता है कैटलिस्ट की तरह, ओके। सवाल नंबर 3 की ओर चलेंगे, कह रहा है कि निम्न में से किसका मान 7 है, पीएच वैल्यू 7 है। पीएच वैल्यू 7 जो होगा वो चाहे तो वाटर होगा या न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, उसका पीएच मान 7 होगा। तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर होगा। आपके सामने है कि एसिडिटी एंड एल्केनिटी आर मेजर विद लॉगरिथम स्केल, पीएच स्केल से हम लोग मापते हैं, जिसमें आपको एच प्लस हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन को हम लोग मापते हैं, तब हमको पता चलता है कि पीएच मान है, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर 7 से नीचे रहेगा तो वो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्षारीय प्रकृति होगी, मीन्स बेसिक होगा, लेकिन 7 रहेगा तो न्यूट्रल होगा या वाटर आप बोल सकते हैं। तो चीज को आप लोग समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सवाल नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे, सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, सवाल नंबर 4 हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन, आयोडीन किस हार्मोन में रहता है, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रेनालिन, थायरोक्सिन या इंसुलिन। अगर यहाँ पे बात कर रहा है आयोडीन किस में पाया जाता है,
आयोडीन की बात करें तो थायरोक्सिन में पाया जाता है, किसे पाया जाता है, थायरोक्सिन में आपको आयोडीन पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए, थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसमें आयोडीन पाया जाता है, और वो कहाँ पे रहता है, ओके, थायरॉइड ग्लैंड जो हमारा है वहां से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और वहां पे आपको पता होना चाहिए जब भी आयोडीन कमी होती है तो यहाँ पे आपका ग्वाइटर नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड द फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एज टू प्रोवाइड वेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आयोडीन इसेंशियल है थायरोक्सिन के सिंथेसिस में, आयोडीन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको आयोडीन की डिफिशियंसी हो गया, कमी हो गया, देन आप ग्वाइटर रोग से पीड़ित हो जाएंगे, इसको बोलते हैं घेंघा रोग, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फूल जाता है। अब बात को समझिएगा, जो भी आप सवाल देख रहे हैं ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं मैंने सेम वहाँ पे ऑप्शंस को रखा, कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ओके। और जो सॉल्यूशन आपका बहुत ही यहाँ पे मैंने बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश किया है यहाँ पे मैंने, जो आप देख सकते हैं, एड्स इज कॉज बाय, एड्स आपको पता है कि वायरस से होता है, एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी जिसको वायरस बोलते हैं, एक तरह का वायरल डिजीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को। चलिए हमारा उत्तर नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके, बहुत सिंपल सवाल था हमारा। सवाल नंबर छह की ओर चलते हैं, द यूनिट ऑफ प्रेशर, देखिए यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछा क्या होता है, और सेम सवाल को पूछा गया 65th बीपीएससी में भी कि यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इस बात ने मैं दोनों बीपीएससी में यूनिट ऑफ प्रेशर की बात की है। देखिए यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे तो इसमें आपको चारों ऑप्शन जो दिख रहे हैं ना, चारों ऑप्शंस नहीं होते हैं, ओके, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर होगा। कैसे, देखिए प्रेशर का मतलब होता है कि आप एक एरिया पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को बोलते हम बोलते हैं क्या, प्रेशर बोलते हैं, दाव बोलते हैं। अब दबाव या दाव की बात करें तो उसका ऐसा यूनिट है पास्कल, और पास्कल का मतलब होता है कि एक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, वन न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन को हम क्या कर सकते हैं केजी, और न्यूटन की बात करें तो मीटर होता है, तो वन केजी मीटर स्क्वायर, देखिए अगर आप न्यूटन को अगर चेंज करेंगे तो केजी मीटर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो वन केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये होता है, और ये जो हमारा है वो यहाँ पे आपको कहीं भी ऑप्शंस में आपको नहीं दिखे, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, यूनिट ऑफ प्रेशर याद रखिएगा, वन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वन केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर सात की ओर, सवाल नंबर सात कहता है कि द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ, अब देखिए सूर्य से पृथ्वी तक के जो पहुंचने में जो समय लगता है वो बेसिकली लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन ऑप्शन जो आए थे आपके एग्जाम में 5, 6, 10, 8 मिनट, तो 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक के जो आपका लाइट पहुंचने में, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये जो स्पीड है आपका स्पीड ऑफ लाइट है आप पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन है, इस बात को आपको ध्यान रखना, तो उसको भाग करके निकालते हैं तो 8 मिनट 20 सेकंड आपको आंसर आ जाएगा। चलेंगे सवाल नंबर आठ की ओर, बहुत सिंपल सवाल था ये हमारा ऐसे भी। सवाल नंबर आठ कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैंने सब कुछ बताया आपको, ओके, तो स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, जिसमें केवल बीमा हो वो हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके मैग्नीट्यूड भी हो और आपका डिस्टेंस सॉरी आपका डायरेक्शन भी हो तब वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को उसको बोलते हैं सादिश राशि, क्या बोलते हैं हिंदी में सादिश राशि बोलते हैं, तो आपके सामने है सारे आपके सामने जैसे देख सकते हैं वॉल्यूम प्रेशर डेंसिटी स्पीड एनर्जी मास ये सारे क्या है स्केलर क्वांटिटी, ये सब याद रखिएगा ना तो हमेशा इसी में से घुमा फिरा के पूछता है, ओके जैसे कि आपका मैं सारा लेक्चर्स करवा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर में करवा दूंगा, 45 डेज सीरीज हो जाएगा, 15 डेज सीरीज हो जाएगा, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए सब्जेक्ट वाइज 10 मिनट का वीडियो होगा कि कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है फॉर द प्रीलिम्स, जो बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ओके तो मैं वो बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना और कौन कौन से बुक से पढ़ना उन चैप्टरों को कि आपको जल्दी से आपका थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए आप तैयार हो पाए, तो वो वीडियो आपको लिए जल्दी ही आएगा, लेकिन ये सब खत्म होगा तब, ओके ऑलरेडी बहुत सारे वर्क है मेरे पास, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टाइम पता नहीं चल रहा, अभी 3 बज चुका है रात का और मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा वीडियो, क्योंकि आपको वीडियोस कहीं ना कहीं कोई हाल में मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है कि आपको 10 बजे वीडियो मिलेगा, तो अभी रात के 3 बज चुके हैं मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़्यादा ज़्यादा आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलते हैं हम सवाल नंबर 9 की ओर, सवाल नंबर 9 कहता है कि इसमें किसकी इकाई नहीं, मैंने सवाल ऑलरेडी मैं करवाया हूँ, किसकी इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है, देखिए
यहाँ पे स्ट्रेन जो है उसकी यूनिट नहीं होती है, ओके स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है, इसका मतलब होता है डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण जो सॉलिड का डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। इट इज अ डायमेंशन लेस यूनिट, इट इज अ रेशियो ऑफ टू लेंथ। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज टोटल फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया। देखिए स्ट्रेस क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन हमारा जो डायमेंशन लेस यूनिट है वो है स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन है जो दो लेंथ का आपका रेशियो होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन यूनिट स्ट्रेस इज एग्जैक्टली एट द सेम एज प्रेशर। देखिए स्ट्रेस मीन्स करना जिसको तनाव आप बोल सकते हैं, तो इसका भी प्रेशर के तरह ही आपका यूनिट होता है, ओके। और फोर्स का तो आपको पता है न्यूटन होता है, और प्रेशर का तो आपको पता है जैसा मैंने अभी जस्ट बताया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ओके। अभी जस्ट मैंने बताया, तो बार बार मैं चीजों को रिविजन करवाऊंगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलेंगे सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि साउंड वेव इन एयर, एयर में जो साउंड होता है वो किस तरह से प्रोपोगेट करता है, क्या होता है, वो ट्रांसवर्स होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो पोलराइज हुए तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो साउंड वेव जो होता है आपका ध्वनि तरंग जो होता है वायु में वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके ओके। कोई भी फ्लूड मीडियम हो, एयर हो या कोई भी फ्लूड मीडियम हो, वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह साउंड काम करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। अभी हम समझ सकते हैं चीजें, लेकिन सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की तरह काम करता है ये साउंड वेव जो है, ध्वनि तरंग जो है, ओके। तो 10 नंबर सवाल का उत्तर बी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 11 नंबर सवाल को देखेंगे, द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेनहाइट स्केल। तो फॉर्मूला पे है, सेम सवाल यहाँ 50 डिग्री पूछा और 64th बीपीएससी में भी सेम सवाल पूछा कि आप फॉरेनहाइट में चेंज करिए। तो देखिए सवाल एकदम घुमा फिरा के पूछा था, 64वीं और 65वीं बीपीएससी का जो सवाल है वो एकदम एग्जैक्टली सेम पूछा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर को अगर देखते हैं तो कुछ हमें आइडिया आता है, और हम उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स बताएंगे कौन सा चैप्टर को पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, ओके। तो इसका उत्तर 122 डिग्री फॉरेनहाइट होगा, कैसे होगा इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये फॉर्मूला है, केल्विन से अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला है, फॉरेनहाइट से अगर आपको चेंज करना है सेल्सियस में तो ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो फॉरेनहाइट से आपको सेल्सियस से क्या करना है, आपको फॉरेनहाइट में चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला है, सेल्सियस को 1.8 से गुना करिए, 9/5 से गुना कर दीजिए और 32 जोड़ दीजिए, तो 122 डिग्री फॉरेनहाइट इज द राइट आंसर। सबसे अच्छा जो भी सेल्सियस है उसको 1.8 से गुना करके 32 आपको जोड़ देना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 12 की ओर, व्हाट इज मेजर। देखिए हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी का, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर साइकिल या पर सेकेंड इज नोन एज द हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है भैया, हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हर्ट्ज इज द मात्रक जो है हमारा किसका है, फ्रीक्वेंसी का है, और इससे फ्रीक्वेंसी नापा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं, ओके। द नंबर ऑफ हर्ट्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, सेम चीज मैंने बोला। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी फिनोमेनन विद द रेगुलर पीरियडिक वेरिएशन कैन बी एक्सप्रेस इन द हर्ट्ज, बट द टर्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन कनेक्शन विद अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करेंट में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है, लाइट में होता है, रडार में होता है, और साउंड में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 13 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, ये भी सवाल रिपीट किया दोनों एग्जाम्स में 64th और 65th में, कि टेम्परेचर जो हमारा बॉडीज का होता है वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा बॉडी जो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो आपका नियंत्रित किया जाता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। इस बात को ध्यान, एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके। इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए इंडोक्राइन में आपका पिट्यूटरी भी आएगा, पीनियल ग्लैंड्स भी आएगा, थायराइड आएगा, एंड्रिनल भी आएगा, पेनक्रियाज ये सारे देख सकते हैं। लेकिन उसमें अगर हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, ठीक है। हमारे फोर, देखिए ब्रेन के बांटते हैं, फोर ब्रेन हो गया आपका, मिड ब्रेन हो गया, तो फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और इसका काम है हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना, और हमें भूख और हमें प्यास की बात जो अगर हम बात करेंगे इसी के कारण हमें होता है, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलेंगे 14 की ओर। सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट, बहुत सिंपल सवाल है, इलेक्ट्रिक करेंट को मापने का उपकरण क्या है, ओके। आपके सामने ऑप्शन है, इसका उत्तर तो एमीटर हो जाएगा, ये भी सवाल को रिपीट किया दो बार। अब देखिए, एन इलेक्ट्रिक करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट अ पॉइंट और रीजन, ओके।
ये है कि एक रीजन से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, एम्पियर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको हम नापते हैं हम किससे, अमीटर से। अब वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा, दो अगर हम बात करेंगे, दो अगर जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसके बीच का जो डिफरेंस को नापता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं, वो हमारा होता है वोल्ट मीटर। ओके, वोल्टा मीटर इसको कॉल मीटर भी बोलते हैं, और वो हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक जो एक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कोई भी अगर कार्य हो रहा है वहां पर कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं वोल्टा मीटर। पोटेंशियो मीटर से भी पोटेंशियल ही नापा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 14 नंबर सवाल का उत्तर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कहता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। अब यह विद्युत शक्ति की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा है, तो इसकी इकाई क्या होगा भैया, वाट हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, वाट हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और वाट को हम इस तरह से भी लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर, और जो एस जो सेकंड होता है उसका माइनस पावर 3 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज को आपको याद रखना। चलते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता की बात करेंगे तो वो लेवोजियर, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेवोजियर इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके, अब देखिए एंटोनी लेवोजियर इज अ फ्रेंच केमिस्ट, इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की, सॉरी सॉरी कि ऑक्सीजन का क्या रोल होता है ड्यूरिंग द कम्बसन, जब भी दहन करते हैं कुछ जलता है तो उसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है, उसकी बारे में डिस्कवर किया गया लेवोजियर के द्वारा। ओके, और ऑक्सीजन का नाम 1778 में उन्होंने रखा, और हाइड्रोजन का 1783 में उन्होंने नाम रखा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको समझना चाहिए। सवाल नंबर चलेंगे 17 की ओर। सवाल नंबर 17 कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20। देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है तो मास नंबर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो आपका मास नंबर इजीली निकल जाएगा। ओके, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा। और 18 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 38 हो जाएगा। तो बहुत ही इजीली सवाल था, आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम, क्योंकि जो आपका प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या समान होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसको तो एटॉमिक नंबर बोल देंगे, लेकिन मास नंबर की बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा मास नंबर, निकल जाएगा मींस जेड प्लस एन इक्वल टू मास नंबर, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 18 की ओर। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सिंपल सवाल था, लाफिंग गैस की बात करेंगे तो हमें उस क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये हम्फ्री डेवी जो है उनके द्वारा इसका नाम दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। ओके, सवाल नंबर 19 कहता है कि इसमें एलिमेंट क्या, एलिमेंट को तीन पार्ट में बांटते हैं, क्या करते हैं, मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु, एंड मेटलॉइड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के रूप में हम बांटते हैं, लेकिन गैस नहीं है, गैस एक तरह का मीडियम है। ओके, तो एलिमेंट्स जो है मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड होता है, तो इसमें तत्व नहीं है, कौन, गैस। ओके, गैस नहीं है, अब आपके सामने है। तीन टाइप के मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। गैस के एक स्टेट ऑफ एक पदार्थ का एक स्टेट है, एक अवस्था है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, नो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 कहता है जल, फिर से सेम सवाल, जल का पीएच मान क्या है, 7 हो जाएगा। न्यूट्रल हो, वाटर हो, सबका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। 7 से कम हो जाएगा तो एसिडिक, 7 से ऊपर जाएगा तो आपका बेसिक हो जाएगा, समझ रहे बात को। आपके सामने सारे यहाँ पे हैं कि 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, और 7 है तो प्योर वाटर या न्यूट्रल बोल सकते हैं, दैट इज द पीएच मान। और पीएच मान क्या होता है, एच प्लस कंसेंट्रेशन आयन की बात करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 21 की ओर चलेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस का मेन कॉम्पोनेंट क्या है, मीथेन है, ये सवाल भी दोबारा रिपीट किया, तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो मेन कंपोनेंट है वो है कौन, मीथेन है, इस बात को ध्यान रखिए। और भी अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा, वाटर वेपर, ओजोन, ये दो चीज आपको ध्यान रखिए, वाटर वेपर और ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो है ना आपके ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर में आते हैं।
सकते, कंफ्यूजन यही करता, तो तीनों को याद रखेगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। शुक्र हो गया, मंगल हो गया, टाइटन हो गया, ये तीनों के एटमॉस्फेयर में आपको ग्रीन हाउस गैसेज मिलेंगे। ओके चलते हैं, और ज्यादा ये गैसेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में गैसेस रहेंगी हमारे वातावरण में तो ग्लोबल वार्मिंग इसके कारण हो रहा है और हो भी रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन किस में नहीं होता है, देखिए ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ग्लास हो गया, सॉइल हो गया, सीमेंट हो गया, सब में ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन किरोसिन में नहीं पाया जाता है, क्योंकि किरोसिन यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जब भी हम आग लगाते हैं किरोसिन से तो हम ऑक्सीजन को एयर से लेता है तब आग लग पाता, तो इसलिए किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करेंगे सॉइल में मिलेगा, कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा होगी, बट ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन किरोसिन, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 23 क्यों चलेंगे, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर की बात करेंगे तो वो बहुलक है आइसोप्रीन का, किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, ये मैं ऑलरेडी में बता दूसरे, देखिए आइसोप्रीन को क्या बोलते हैं, 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C5H8N। ओके नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये रबर लेटेक्स से मैन्युफैक्चर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है रबर का इन द वर्ल्ड, इस बात को ध्यान रखना है। सवाल नंबर 24 को चलेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा था, C6H12O6 का, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सवाल नंबर 25 की ओर चलेंगे, सवाल नंबर 25 कहता है, ये आपका देखिए सॉरी 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं एक बार। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जिसका फॉर्मूला ये होता है, ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, ऑल्सो इसको डेक्सट्रोज भी इसको बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके सवाल नंबर 25 कहता है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ ग्रुप, सीओ समूह का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। देखिए सीओ की बात करेंगे तो सीओ समूह का अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो देखिए अगर हम लेबिस डिस्क्रिप्शन देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, तो बॉन्ड ऑर्डर दिया जाता है कैसे, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो मॉलिक्यूल के एटम के बीच में जो बॉन्ड से उससे हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ओके उसे केमिकल बॉन्ड की स्टेबिलिटी पता चलती है, जितना हायर रहेगा उतना ज्यादा केमिकल बॉन्ड मजबूत होगा। सीओ में तीन पेयर ऑफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सीओ और ओ के बीच में, तो सीओ जो है तीन बॉन्ड ऑर्डर है, कितना है 3, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 26 कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मैंने कल बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है, डार्विन। ओके इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स के लेखक कौन है, लैमार। टैक्सोनॉमी, फादर वर्गीकरण के पिता किसको बोलते हैं, फादर टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, कार्लस लिनियस। ओके तो यहां पे आपको उत्तर तो ऐसे ही सिंपल है, डार्विन हो जाएगा, ठीक है, मेंडल तो पता है जेनेटिक्स। ओके आगे चलते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, देखिए एल्गी और फंगाई के अगर इंटरेक्शन की बात करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वो लाइकेन होता है, लाइकेन आपका कहीं ना कहीं प्रदूषण का एक सूचक होता है, लाइकेन एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लेकिन वो किस तरह का, देखिए दो जीवों के बीच में अगर दो प्लांट है, दो जीव है, ये दो तरह की चीजों के बीच में एक रिलेशन होगा ना, तो उसको अलग अलग तरह से बोलते हैं, कैसे अब समझेंगे, इसका तो आंसर म्यूटुअलिज्म होगा, क्यों अब समझेंगे। जब भी दो तरह के अगर जीव हैं और दोनों को लॉस हो रहा है, अगर दोनों के बीच में संबंध है और दोनों को लॉस हो रहा है, तो उसको बोल देंगे कंपटीशन, क्या बोल देंगे कंपटीशन। ओके अगर एक को फायदा मिलता है और एक को घाटा मिलता है, मींस कि आपके शरीर में जैसे कि आप जू देख ले, जू को फायदा मिल रहा है लेकिन आपको घाटा हो रहा है ना, आपका खून को चूस रहा है, उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म या प्रीडेशन। ओके लेकिन एक को फायदा मिल रहा है दूसरा कोई दिक्कत नहीं आपके शरीर पे है लेकिन उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, सॉरी आपको कोई दिक्कत नहीं हो लेकिन उसको फायदा हो रहा है, तो उस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे कमेंसलिज्म। ओके और इसमें क्या है कि एक को घाटा हो और दूसरा को कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब इस तरह का रिलेशन तो बहुत बेकार ही है, चाहे रियल लाइफ में रिलेशन हो या कोई जीव का रिलेशन, तो उसको बोलते हैं एमेंसलिज्म, इस बात में। म्यूटुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअल की बात कर रहा है, म्यूचुअलिज्म की बात कर रहा है, मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए, तो लाइकेन को फायदा भी होता है, सॉरी एल्गी को फायदा भी होता है, फंगी को फायदा होता है, तो इस बात में दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो चीजों को सिंपल रूप से अगर कंसेप्चुअली पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। सवाल नंबर 28 कहता है कि कोई भी प्लेस कोई भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह के क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, सिंपल चीज हैबिटेट बोलते हैं, चलते हैं आगे। ओके हाँ सवाल नंबर 29 की क्या बात करते हैं कि सोलर एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कौन करता है। देखिए
सोलर एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करेगा प्लांट के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए ना, तभी तो वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर पाएगा। तो एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर, यहाँ पे आपके सामने है, सब कुछ समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 चलते हैं। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें से क्या हमें निकलता है? हमें ऑक्सीजन मिलती है। बाई प्रोडक्ट मतलब कि बाद में क्या उत्पाद होता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है ना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, तो CO2 इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल सवाल है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा सनलाइट के उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का निर्माण करेगी, वाटर का निर्माण करेगी और O2 का निर्माण करेगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रॉन किसमें नहीं, कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं? लेकिन न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो आपके सामने है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? एक है। हाइड्रोजन जो आपका, देखो हाइड्रोजन के तो आपको पता है ड्यूटेरियम है, ठीक है, ड्यूटेरियम है, प्रोटियम है, लेकिन हाइड्रोजन का जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिसको हम लोग जानते हैं नॉर्मली रूप से H11H जो उसको बोल सकते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा, दैट इज हाइड्रोजन। एंगस्ट्रम तो मैं बता चुका कि एंगस्ट्रम जो है वेवलेंथ का इकाई है, एंगस्ट्रम जो है वेवलेंथ का इकाई है, और मैंने बताया था कि रेनबो जो होता है विविग्योर आप लिखते हैं, विविग्योर लिखते हैं, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका है? आपका वायलेट का। लेकिन फ्रीक्वेंसी करेंगे तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? आपका रेड का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? तो वायलेट का है। ओके, और एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है 10^-10 meter। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेगा, 10^-10 meter होता है एक एंगस्ट्रम के द्वारा, एक एंगस्ट्रम के बराबर, और ये पूछा गया है सवाल, ये सवाल पूछा गया, इसलिए आपको इसको याद रखना, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। चलते हैं सवाल नंबर 33 की ओर। सवाल नंबर 33 कहता है डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक, डीएनए का खोज किया वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म डीऑक्सीराइज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, डीएनए एक तरह का जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। ओके, और आरएनए है कुछ कुछ वायरसेस में, आपको जैसे कोविड देख लें उसमें आपको जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, और मोस्टली एक तरह से मैसेंजर के रूप में काम करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का दिया गया वो वाटसन और क्रिक के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया 1953 में। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक तरह का फैट है, एक तरह क्या है? एक तरह का फैट है। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है, और ऑयल से जो तीन मॉलिक्यूल फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल से बनता है, और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, ये तीनों मिला के बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड। ओके, इस बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे बॉडी के जो हमारे ह्यूमन के जो बॉडी फैट है उसका मेन कंडीशन कौन, हमारा कौन सा है मेन जो घटक कौन है, वो ट्राइग्लिसराइड है। जितने भी वर्टेब्रेट है उसके भी अंदर आपको जो फैट के रूप में मिलते हैं वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 35 कह रहा है कि ईईजी से क्या हम किसी में उपयोग करते हैं? ईईजी की बात करेगा तो उससे हमारा ब्रेन में इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज? तो ब्रेन में इस्तेमाल करते हैं ईईजी का। एक तरह का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है उसको अगर हम इवेलुएट करेंगे तो ईईजी मशीन से करेंगे, इलेक्ट्रो इनसेफेलोग्राम, ठीक, इस बात में ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए जब हार्ट की बात करेगा तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोलते हैं, हार्ट के लिए ईसीजी से नापते हैं हार्ट पल्स, बात को ध्यान रखिएगा। तो ईईजी जो है वो हैंस बर्गर के द्वारा इन्वेंट में से बनाया गया 1924 में। 36 नंबर सवाल कहता है कि स्टेटमेंट को चूज करिए, वेवलेंथ रेड लाइट का ज्यादा है वायलेट से, सही बात, मैंने बताया ना कि सबसे ऐसे लिखेंगे विविग्योर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका होगा, सबसे कम वेवलेंथ इसका होगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसका होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका होगा, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है, ये आपके सामने इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैंने इसको 2-3 बार बताया, इसको आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए। फिर सेम सवाल है, 40 डिग्री को पहले क्या करेंगे हम? 1.8 से गुना करेंगे तो 72, और 72 में हम जोड़ देंगे 32, 104 डिग्री, आपका आंसर खत्म। ओके, तो ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन तीनों ये आपको याद रखना फॉर्मूला, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, सवाल कभी भी पूछ सकता है। तो 104 डिग्री इज द राइट आंसर। 38 नंबर सवाल कर रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? आप उसमें लाइन देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करेंट देते हैं, तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसे
मोटर से क्या करते हैं, मोटर से हम कोई पाइप सेट चला, पंप सेट चला रहे हैं, या आप देखते होंगे फ्लोर मशीन हो या कुछ इस तरह के मशीन को चलाते हैं, तो मोटर से क्या चलेगा, मोटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो किस बात को ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था किस चीज के लिए, देखिए आइंस्टीन फेमस था आपका रिलेटिविटी के थ्योरी के लिए, ओके, और आइंस्टीन आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लिए भी फेमस था, लेकिन आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, प्रकाश के विद्युत, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो उसके लिए मिला था 1921 में, ओके। लेकिन उनका जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 41 की ओर। सवाल नंबर 41 का था पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी जस्ट मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ हमारा रहता है, तो लाइसोसोम में रहता है। इतना चीज मैंने बता दिया, कंप्लीट हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 42 की ओर। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए ह्यूमिडिटी की बात कर, आर्द्रता की बात करता तो हाइग्रोमीटर, पानी में डेंसिटी की बात करेगा तो हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर से टेम्परेचर मापते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या दूध की डेंसिटी को मापते हैं, पानी है उसमें क्या उसका लैक्टोमीटर से मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। पावर हाउस ऑफ द सेल, फिर सेम सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। चलते हैं, तो हमारा आज का ये सेशन समाप्त हो गया, हम लोग दो बीपीएससी एग्जाम जो हमारा 64th 65th के सवालों को कर लिया, तो मिलेंगे कल के वीडियो में, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अभी रात के 3:30 बज चुके हैं, और मैं वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड किया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपको वीडियो कोई भी हाल में 10 बजे मिलना है तो मिलना है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।